देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में इस समय पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। भाजपा का मिशन लोटस पूरी तरह फेल हो गया है। हिमाचल में उपचुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सरकार को 5 सालों के लिए पक्का कर दिया है। ये बात प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय मेले के समापन अवसर पर कही। इस दौरान क्या कुछ कहा हर्षवर्धन चौहान ने, आप खुद ही सुन लीजिए। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। आज मुझे छिनोर नेर नेटी मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और समापन समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं मेला कमेटी को और इस पंचायत के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो मेले हैं हमारी पहाड़ी संस्कृति का प्रतीक है और ये हमारा जो पुरानी परंपराएं हैं वो चल रहा है, इनको हमको बना करके रखना है। आज यहाँ कुछ मांगे मेरे समक्ष जो है वो पंचायत के प्रतिनिधि ने रखी हैं और मैंने आश्वासन दिया है कि सहानुभूतिपूर्वक जो है इन मांगों को जो है वो रखा जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड की भी समस्या है, ग्राउंड को जो है वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ स्टेज की भी समस्या है, इस तरह से सारी समस्याएं मैंने आश्वासन दिया है, इन समस्याओं का जो है समाधान किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है और इस सरकार को स्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, जबकि ऑपरेशन लोटस जो है उसको यहाँ पे विफल किया गया है। और जब दोबारा से हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी सत्ता में गई तो स्पष्ट रूप से हमको जो है बहुमत दिया है। आज हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर हो, ये हमारा लक्ष्य रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आज जो है आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और ये जो कर्ज है, भारी कर्ज जो है, ये हमको आज जो है विरासत में मिला है। मगर इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़े, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो, ये हमारा जो संकल्प रहा है। जिला सिरमौर में बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी के मन में जिला सिरमौर के प्रति एक विशेष स्थान है और यहाँ पे पैसे की कमी, बजट की कमी जो है वो नहीं रखी जाएगी। लोगों की भावनाओं की हम कदर करते हैं और जो भी विकास कार्य है इस चुनाव क्षेत्र में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राजगढ़ में अभी हाल ही में कुछ समय पहले, 6 महीने पहले हाई पिच का डिवीजन जो है मुख्यमंत्री द्वारा खोला गया है, विधिवत रूप से कार्य किया है और भी यहाँ जो स्टाफ की कमी है, स्कूलों में मास्टरों का अभाव है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिव पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, मेरे ध्यान में यहाँ के स्थानीय लोगों ने लाया है और इन सब दिक्कत और समस्याओं को हम जल्द दूर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।